Hey guys, welcome to my YouTube channel. So I'm going to explain chapter 18 of the Allure of His Royal Highness. So without wasting any time, let's start the video. इस चैप्टर में हम देख पाते हैं कि नाइन्थ प्रिंस की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है एंड ये देखकर प्रिंस का सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है बिकॉज रॉयल डॉक्टर की मेडिसिन से प्रिंस जस्ट 4 days में ही रिकवर हो जाता है एंड अब वो बड़े ही फोकस के साथ एनालिट्स को कॉपी कर रहा होता है एंड ऐसे में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा होता है। अब वो सर्वेंट ये भी सोचने लगता है कि अगर प्रिंस चाइल्डहुड में इंजर्ड ना होता तो वो अब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता एंड उसके स्किल्स भी 4th प्रिंस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते। हाउएवर प्रिंस जब यूजी को अपने पास देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी में अपनी कैलीग्राफी उसे दिखाता है। अब हम देखते हैं कि एक और सर्वेंट वहाँ आता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो सर्वेंट उन्हें ये बताता है कि 3rd प्रिंसेस ने मेन हॉल में काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया है बिकॉज आज ही उसके डॉग की डेड बॉडी उन्हें उस पॉन्ड में से मिल गई थी जिससे एम्पीरियर को काफ़ी गुस्सा आया एंड उन्होंने 3rd प्रिंसेस को 3 मंथ्स के लिए होम अरेस्ट कर लिया है। वो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा खुश था बिकॉज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 3rd प्रिंसेस को पनिशमेंट मिली है जिस पर यूजी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा हुआ बिकॉज एज ए 3rd प्रिंसेस 9th प्रिंस को बुली नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर जनरल टैंग भी आ जाता है और वो यूजी से बोलता है कि उसे सोच समझकर बोलना चाहिए बिकॉज वो 9th प्रिंस का सर्वेंट है एंड उसका ये केयरलेस बिहेवियर 9th प्रिंस को काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता है जिस पर यूजी बोलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है सो वो जनरल से माफ़ी मांगना चाहता है। 9th प्रिंस जनरल टैंग को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो उसके पास जाता है एंड वो जनरल टैंग से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर इम्पीरियर की परमिशन से आया है जिस पर जनरल टैंग कहता है कि नहीं वो यहाँ पर किसी और की हेल्प से आया है। अब जनरल टैंग ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि वो रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं है इस वजह से वो पैलेस में इंटर नहीं कर सकता उस टाइम तक जब तक के एम्पीरियर के ऑर्डर्स ना हों। फॉर दिस बेसिक रीजन वो प्रिंस को इंटरोगेशन सेल से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज अगर उसके पास अथॉरिटीज होती तो पाइजेंग की जगह वो प्रिंस को इंटरोगेशन सेल से बचा कर लाता। सो अब जनरल टैंग प्रिंस को पुल करता है एंड उसे बहुत ज़ोर से हक करता है एंड उसको बोलता है कि कैपिटल में उसके पास पावर एंड अथॉरिटीज़ नहीं है इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो प्रिंस उसके साथ बॉर्डर्स पर चला जाए जहाँ पर उसके पास फुल पावर है एंड वहाँ वो प्रिंस की टिल डेथ तक केयर करेगा एंड उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर नाइन्थ प्रिंस काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है एंड अपने आप को छुड़ाने के लिए जनरल टैंग को पीछे की तरफ पुश करता है। प्रिंस जनरल टैंग से बोलता है कि वो उसे छोड़ दे बिकॉज यूजी यानी कि उसके सर्वेंट ने उसे ये बोला था कि उसे किसी को हग नहीं करना चाहिए एंड ना ही किसी को ये अलाउ करना चाहिए कि वो उसे फिजिकली टच कर सके जिस पर जनरल टैंग प्रिंस पर गुस्सा होते हुए उसे बोलता है कि इसका मतलब है कि वो उसे टच नहीं कर सकता एंड पाइजेंग उसे हर जगह टच कर सकता है। जनरल टैंग प्रिंस को ये भी बोलता है कि उसने सुना है कि पाइजेंग ने उसे टेबल के नीचे छुपा कर रखा था सो वे ये सच जानना चाहता है कि आखिर पाइजेंग ने उस दिन प्रिंस के साथ क्या करने की कोशिश की थी। जनरल टैंग नाइन्थ प्रिंस के पास आकर उससे फर्दर ये भी पूछता है कि क्या उस दिन पाइजेंग ने उसके क्लॉथ्स को रिमूव किया था। इस पर प्रिंस को भी वो टाइम याद आ जाता है जब नॉर्थ स्टडी रूम में पाइजेंग ने उसके क्लॉथ्स को फोर्सफुली रिमूव करवाया था। सो प्रिंस जनरल टैंग को बोलता है कि यस पाइजेंग ने ऐसा ही किया था। ये सुनते ही जनरल टैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि पाइजेंग की हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के साथ ये सब कुछ करने की। अब हम देखते हैं कि एक सोल्जर जनरल टैंग पर अटैक करता है एंड प्रिंस को उस अटैक से बचाने के लिए जनरल टैंग प्रिंस को पीछे की तरफ पुश करता है। सो अब हम देख पाते हैं कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि पाइजेंग का पर्सनल गार्ड होता है एंड पाइजेंग भी वहाँ पर आ चुका होता है। अब वो सोल्जर जनरल टैंग से लड़ने लगता है एंड प्रिंस को पाइजेंग पकड़ लेता है। प्रिंस उन दोनों को लड़ते हुए देख के काफ़ी डर जाता है एंड वो पाइजेंग को बोलता है कि आखिर वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं एंड वो पाइजेंग से रिक्वेस्ट भी करता है कि उन्हें उन दोनों को लड़ने से रोकना चाहिए जिस पे पाइजेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो प्रिंस को बोलता है कि क्या उसे जनरल टैंग की इतनी ज़्यादा फिक्र है जिस पर प्रिंस बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है वो तो जस्ट इसलिए बोल रहा था कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। पर हम देख पाते हैं कि अभी भी वो सोल्जर एंड जनरल टैंग पर हम देखते हैं कि अभी भी वो सोल्जर एंड जनरल टैंग फाइट कर रहे होते हैं। हाउएवर जनरल टैंग काफ़ी गुस्से में पाइजेंग को वार्निंग देता है कि वो 9th प्रिंस को छोड़ दे जिस पर पाइजेंग एक क्रीपी स्माइल देता है एंड वो प्रिंस को और जोर से पकड़ लेता है एंड उसको उठा लेता है एंड वो जनरल टैंग से ये भी बोलता है कि अगर वो प्रिंस को ना छोड़े तो जनरल टैंग उसका क्या बिगाड़ सकता है एंड ये कहते हुए वो अपने चीक्स को प्रिंस की चीक्स के साथ रब करता है एंड यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना एंड अप टिल नेक्स्ट चैप्टर टेक केयर एंड गुड बाय।